بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास रमज़ान की है। रमज़ान के महीना आ रहा है तो मैं रमज़ान का आपको फजीलत कुछ बताऊँगा। आप ये देखिए आयत सौम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इसका तर्जुमा देखिए, ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। फिर से देखिए, ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। अय्यामं मअदूदात فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ। तर्जुमा देखिए, रोज़े के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो दूसरे दिन में रोज़ा का शुमार पूरा कर लें, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं वो रोज़ा के बदले मोहताज को खाना खिला दे, और जो कोई अपने मर्ज़ी से ज़्यादा नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर से तर्जुमा देखिए, रोज़े के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो दूसरे दिन में रोज़ा का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दे, और जो कोई अपने मर्ज़ी से ज़्यादा नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। ترجمة देखिए, रोज़े का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानी है, और जो हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिन में रोज़ा रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहते हैं और सख्ती नहीं चाहते। ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है तुम रोज़ा का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले अल्लाह ने तुम को हिदायत बख्शी, तुम उसको बुज़ुर्गी से याद करो और शुक्र करो। फिर से देखिए, रोज़े का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानी है, और जो हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने का रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिन में रोज़ा रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहते हैं और सख्ती नहीं चाहते, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है तुम रोज़ा का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले अल्लाह ने तुमको हदायत बख्शी,
तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और शुक्र करो। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। तर्जुमा देखिए, ऐ पैगंबर, जब तुम्हारे बंदे मेरे बारे में दयाद करें तो कह दो कि मैं नज़दीक हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे पुकारता है तो उनको चाहिए मेरी हुक्म को माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि नेक रास्ता पाए। फिर से तर्जुमा देखिए, ऐ पैगंबर, जब तुम्हारे बंदे मेरे बारे में दयाद करें तो कह दो कि मैं नज़दीक हूँ, दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो उनको चाहिए मेरे हुक्म को माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि नेक रास्ता पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको भी सवाब होए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।